Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hive. तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं आप सबकी डिमांड पर क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क. इस बुक से चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम फुल्ली एनिमेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपली जाके क्लिक करके देख सकते हो. यार बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत बिंदास है, मजा आ जाने वाला है. अब इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर हैं. इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. एक चीज और यार, अगर आप न्यूज देखते हो तो एक हमारा चैनल है, मतलब एक्चुअली मैंने कोई प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा, मैं ये मेरा दोस्त है और वो काफी मेहनत करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उस चैनल को दिखाना चाहिए आपको. भारत न्यूज नाम का एक चैनल है, लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो यार और दबा के वीडियोस देखो भाई की. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है. सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड, कुछ बच्चे इसलिए काम करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को जीविका चलाने में मदद कर सके, मतलब जो खाने रहने के लिए उनको जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ बच्चे काम करते हैं. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो बाकी बच्चे हैं जो अपने घरों से दुखी होकर भागे हुए हैं, नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उन्हें जरूरत होती है कि वो अपने आप को सपोर्ट करें. वो नए शहर में जाएं तो उन्हें रहने के लिए, उन्हें खाने के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें काम करना पड़ता है. चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क, वे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, वो तो स्कूल नहीं जा सकते और ना ही वो अपने उम्र के बाकी बच्चों के जैसे खेल सकते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में यार बच्चों के बारे में है कि बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है, और काम करना पड़ता है तो कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर 3 एपिसोड्स में डिवाइडेड है. जैसे इस वीडियो में हम एपिसोड 1 कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 2 एंड नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 3. तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये इस चैप्टर का हाईलाइट दिया है. हम पढ़ेंगे वेलू के बारे में. An 11 year old boy, Velu एक 11 साल का बच्चा है, runs away from home, जो कि अपने घर से भाग गया है. He wanders around for hours, वो घंटों तक इधर उधर भटकता रहा, before getting on a train, ट्रेन पर चढ़ने से पहले, और ये ट्रेन इसे कहाँ ले जाती, चेन्नई ले जाती, वो भी बिना टिकट के, मतलब वेलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चेन्नई जाने के लिए टिकट भी कटवा सके. ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि जब वो चेन्नई पहुंचता है स्टेशन पर तो वो बहुत थका हुआ है, टायर्ड है, हंग्री है, भूखा है. ही डजंट नो वेयर टू गो, वो बिल्कुल नहीं जानता कि वो यहां से कहां जाए. व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, तभी एक अजनबी इंसान की पीछे से एक आवाज आती है, और ये आवाज ऐसी लगती है कि वेलू को कोई जानता है जो उसे पुकार रहा है. चलिए देखते हैं कौन वेलू को बुला रहा है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, जब Kanyakumari Express Chennai Central Station पर पहुंची, pulled in का मतलब पहुंचना, arrived. It took Velu some time to get off. Velu को कुछ ही वक्त लगता है वो ट्रेन से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है. When he finally stood on the platform, जब आखिरकार वो प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया, his legs felt wobbly, उसके पैर अब भी कांप रहे थे. Wobbly का मतलब कांपना, as if he was still on a moving train, उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे कि वो अब भी चलती हुई ट्रेन में हो. तभी एक आवाज आती है, ओए आउट ऑफ द वे, वेलू पीछे से एक आवाज सुनता है, आवाज रहती है कि ओए रास्ते से हट जाओ. अ पोर्टर वेंट बाई, एक बोझा ढोने वाला उसके बगल से गुजरता है विथ अ लोडेड ट्रॉली, और उसकी जो ट्रॉली है जो हाथ में लिया हुआ है ना, इसमें सामान रखा हुआ था ये. वेलू जंप्ड असाइड, जैसे ही वेलू आवाज सुनता है कि बगल होना है मुझे, वेलू तुरंत जंप करके दूसरी तरफ आ जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच, वेलू एक प्लेटफॉर्म पर बने एक बेंच पर बैठ जाता है. Putting his small bundle down, और अपनी छोटी सी गठरी जो वो गांव से लेकर भागा था उसे वहीं ब्रेंच पर रख देता है. In all his 11 years, he had never seen so many people. अपने पूरी 11 साल की उम्र में इस वेलू ने आज तक इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था. Except once a year at the fair in his village. केवल पूरे साल में इतने सारे लोग एक ही बार दिखते थे वेलू को, और वो भी गांव के मेले में.
पीपल वॉक्ड बाई, लोग इधर उधर से जा आ रहे थे, बंपिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, और वो वेलू को टक्कर भी मार रहे थे अपने सूटकेसेस से, जो बक्से बड़े बड़े वो लिए थे और बक्से लेकर वो जा आ रहे थे, जिससे वेलू को टक्कर भी लग जा रही थी। ठीक है, अ वॉइस अनाउंस्ड, तभी कुछ अनाउंसमेंट होती है, एक आवाज कुछ अनाउंस करती है, और वो कहाँ अनाउंस करती है, लाउड स्पीकर पर। आप जानते हो प्लेटफॉर्म पर लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, जहां पर ट्रेन्स की अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी नंबर ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ गई है। तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज, और उसके जस्ट बगल में कुछ लोगों का झुंड था जो अपने सामानों पर बैठे हुए थे। लगेज का मतलब क्या होता है, सामान, जो अपने सामान पर बैठे हुए थे। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और ये सारे लोग क्या कर रहे थे, ये सारे लोग छत से लगी एक टीवी लटकी हुई थी, इसी टीवी को सब लोग देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, और उस पूरे प्लेटफॉर्म पर बहुत भयानक आवाज आ रही थी। एक तो ट्रेन की आवाज आ रही थी, ट्रेन की हॉर्न्स की आवाज आ रही थी, टीवी की आवाज आ रही थी, लोगों की आवाज आ रही थी, तो मतलब बहुत सारी आवाजें आ रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अब वेलू बेचारा अकेला है, वो अपने घुटने पर अपना सर रखकर क्या करता है, लेट जाता है। फीलिंग मिजरेबल, वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है, एंड एग्जॉस्टेड, और वो थका हुआ भी है। ही हैड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वेलू को अपने गांव से भागे लगभग 2 दिन हो गए थे। For 2 days he had eaten nothing, और 2 दिनों से वेलू ने कुछ खाया भी नहीं था। But some peanuts, बस थोड़ा सा उसने मूंगफली खाई थी, and a piece of जैगरी, और गुड़ का एक टुकड़ा खाया था। In his bundle he carried a shirt, अपनी छोटी सी गठरी में जो वो बेंच पर रखा था, उस गठरी में उसका एक शर्ट था, एक तौलिया थी और एक कंघी थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. अब जब वो गांव से भागा, तो जिस दिन भागा, पहले दिन तो वो पैदल ही चलता रहा, और पैदल चलते चलते वो कन्नौर पहुंचता है। कन्नौर एक जगह है, फिर कन्नौर से वो ट्रेन में चढ़ता है, और वो ट्रेन उसे कहां ले जाती है, चेन्नई ले जाती है। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अब वेलू के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वो टिकट खरीद सके, लेकिन एक बात अच्छी हुई वेलू के साथ, कि जो टीसी था, जो टिकट कलेक्टर था ना, वो उसके कंपार्टमेंट में, जिस डिब्बे में वेलू बैठा था, उस डिब्बे में टीसी चेक करने ही नहीं आया कि किसने टिकट लिया है और किसने नहीं लिया है। He had tried to slip on the floor near the door. अब जैसे ही रात होती है, तो वेलू सोचता है कि मैं सो जाऊं, और इसीलिए वो ट्रेन के दरवाजे के पास सोने की कोशिश करता है, लेकिन a group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन कुछ लोगों का झुंड था जो उसके बगल में ही बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, वो ताश खेल रहे थे, वो पत्ते खेल रहे थे, और पूरी रात वो चिल्लाते रहे, जिससे बेचारा वेलू सो नहीं पाता है। ऐ, तभी एक आवाज आती है, ऐ व्हाट न्यू टू टाउन। देखो क्या है, जो वेलू प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता है और ये सारी चीजें सोचता रहता है, तो वेलू को पीछे से एक आवाज आती है। आवाज क्या बोलती है, कहती है, ए व्हाट, क्या है, न्यू टू टाउन, क्या तुम शहर में नए आए हो। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक बहुत ही रफ वॉइस आती है, मतलब जैसे होता है ना गवारों वाली आवाज, ऐसी आवाज आती है। वेलू ओपेंड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वेलू के अगल बगल बहुत सारे लोग थे जो खड़े थे, बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी वेलू की तरफ देख नहीं रहा था। तभी दोबारा वो आवाज कहती है, यहां पर देखो, ए ही टर्न्ड अराउंड, वेलू पीछे मुड़कर देखता है। He turned around, वेलू पीछे मुड़कर देखता है। Behind him was a girl around his own age. उसके पीछे एक लड़की थी जो कि लगभग उसी की उम्र की थी, wearing a long बनियान that came down to her knees. उस लड़की ने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी, आप देख रहे हो ना, एक लंबी सी बनियान इसने घुटनों तक पहनी हुई है, तो वही लिखा है, इस लड़की ने एक लंबी सी बनियान पहनी थी जो कि इसके घुटनों तक पहुंचती थी। Her hair was stiff, जो उसके बाल हैं, इस लड़की के जो बाल हैं, स्टिफ है मतलब कड़े कड़े हैं, और ब्राउनिश,
भूरे रंग के हो गए हैं, एंड शी हैड अ यू सैक ऑन वन सोल्जर, और इस लड़की के एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरी है। सैक का मतलब क्या होता है? बोरी टाइप का होता है। तो ये लड़की के जो बाल हैं वो बहुत कड़े हैं और बहुत ज्यादा भूरे रंग के हैं, जैसे ये लड़की कई दिनों से नहाई नहीं है, और उसके एक कंधे पर क्या है? बोरी है, सैक है, जिसमें वो कचरा को इकट्ठा करती है। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इन टू हर सैक। ये लड़की क्या कर रही थी? ये लड़की प्लेटफॉर्म पर जो कप्स फेंके हुए थे उन कप्स को इकट्ठा कर अपने बोरी में डाल रही थी। Why is she calling me? अब वेलु सोचता है ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और कोई लड़की इतना लंबा बनियान क्यों पहनी हुए है? क्योंकि वेलो ने आज तक किसी गरीब लड़की को देखा नहीं था यार, तो वो सोचने लगता है कि कोई लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? लड़की वेलो से पूछती है कि इतने मूर्खतापूर्वक घूरने की जरूरत नहीं है मुझे। स्टेयर का मतलब घूरना, स्टूपिडली मतलब पागलों की तरह घूरना। तो लड़की बोलती है वेलू से कि इतनी पागलों की तरह मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब वेलू बोलता है मेरा नाम वेलू है। मटर्ड वेलू, मतलब वेलू बहुत धीरे हल्की आवाज में बुदबुदाते हुए कहता है मेरा नाम वेलू है। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए वेलू अपना नाम उस लड़की को बता देता है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। अब वो लड़की उस वेलू की गठरी को देखती है और बोलती है कि सो मिस्टर वेलू, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भागे हुए हो? वेलू डिडंट आंसर, वेलू कोई भी उत्तर नहीं देता है। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। वो वेलू जो था वो किसी अनजान लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है, वो घर से भागा है कि घर से भगाया गया है, इसके साथ क्या हुआ है वेलू शेयर नहीं करना चाहता था किसी अजनबी लड़की के साथ। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. अब यहाँ पर बहुत important है कि वेलू अपना घर छोड़कर भागा क्यों? He had run away. वेलू अपना घर छोड़कर इसलिए भागा क्योंकि he could not stand his father beating him for one more day. क्योंकि वेलू अब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके पापा उसे अब एक और दिन मारें। अब उसके पापा उसे मारते क्यों थे? His father would snatch away all the money वेलू and his sisters earned and spend it on drink. जो वेलू के पिताजी थे वो सारा पैसा स्नैच कर लेते थे, सारा पैसा छीन लेते थे जितना वेलू और उसकी सिस्टर मिलके कमाते थे, वो सारा पैसा उसके पिताजी उससे छीन लेते थे और उसको पीने में उड़ा दिया करते थे, शराब पीने में उड़ा दिया करते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, वो लड़की पूछती है। अब जब वेलू ये सब कुछ सोच रहा होता है कि मैं इस अजनबी लड़की को नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों घर से भागा हूं, तभी वो लड़की बोलती है डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, जो ये जगह है ना ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है, मतलब हर जगह तुम्हारे जैसे अनहैप्पी चाइल्ड मिल जाएंगे जो अपने घरों से भागे हुए हैं और यहां पर आकर काम करते हैं। सो अब आगे लड़की पूछती है, आगे का प्लान पूछती है वेलू का कि सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम अब यहां पर क्या करने वाले हो? बिकम रिच, क्या तुम धनी बनना चाहते हो यहां पर आने के बाद? सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो लड़की वेलू के बगल में बैठ जाती है सेम बेंच पर। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, अब वेलू जब देखता है कि ये लड़की उसके बगल में बैठ गई है तो वेलू थोड़ा सा और उधर खिसक जाता है। ठीक है, ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम And pressed his stomach with a grimace. अब ये क्या है? ये जो वेलू है ना उसको भूख सता रही थी। हंगर पिंचिंग का मतलब चूहे दौड़ना होता है ना पेट में, तो इसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे क्योंकि दो दिनों से वेलू ने कुछ खाया नहीं था, और इसीलिए वेलू ने pressed his stomach, वो अपने पेट को पकड़कर दबाने लगता है, इतना तेज उसे भूख लगी थी। विथ अ ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब क्या होता है? एकदम दुखी होकर, एकदम परेशान होकर कि ओ माय गॉड पेट दर्द कर रहा है, इस तरीके से वो अपने पेट को दबाकर बैठ जाता है। अब लड़की पूछती है हंग्री, क्या तुम भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली, अब लड़की बोलती है तुम्हें यहां बैठकर खाना नहीं मिलने वाला, तुम ऐसे दुखी होकर
अलग अलग तरीके के चेहरे बनाकर अगर तुम सोचोगे कि मुझे खाना मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, कोई भी तुम्हें खाना नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सकती हूं अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। जब लड़की ने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सकती हूं, उसके बाद लड़की सीधा अपने बोरिए को उठाती है, पिक्ड अप हर सैक मतलब अपने बोरी को उठाती है एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और लड़की बोरिए को उठाकर जाने लगती है प्लेटफॉर्म से। और वेलू अब भी बेंच पर बैठा हुआ है, वेलू स्टेड ऑन द बेंच। What should he do? वेलू अब क्या करेगा? क्या उस लड़की के पीछे जाएगा? Should he follow this girl? क्या वेलू उस लड़की के पीछे जाएगा? Where was she going to take him? ये लड़की वेलू को कहाँ ले जाने वाली थी? ये सारे questions वेलू के दिमाग में घूम रहे थे। She was disappearing into the crowd. वो लड़की धीरे धीरे भीड़ में गुम होती जा रही थी। So he had to make up his mind quickly. और इसी के लिए वेलू को अपना फैसला जल्दी लेना था, क्विकली लेना था। ऑल राइट, वेलू ने फैसला लिया। उसने कहा कि ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने फैसला ले लिया कि एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। वेलू कहता है कुछ भी हो जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहां जाना है। और इसी के लिए ही जंप्ड अप, वेलू बेंच से उठता है एंड रैन आफ्टर हर, और उस लड़की के पीछे दौड़ पड़ता है। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, लेकिन वो लड़की पीछे मुड़कर नहीं देखती कि क्या वेलू आ रहा है कि नहीं, कि वेलू कहां पहुंचा है। तो ये हमारा था पहला एपिसोड। अब वेलू के साथ क्या होता है, वो लड़की उसे कहां ले जाती है, क्या वेलू धनी इंसान बन पाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल के साथ। कंप्रेहेंशन चेक क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही आपको बता देंगे, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे। सेकंड एपिसोड देखने के लिए यार हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि हमारे वीडियो जब भी पढ़े तो आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।